तो देखिए दोस्तों, ये हमारे पास सलवार का कपड़ा है और ये सलवार का कपड़ा जो हमारा तो 2.5 मीटर का है। हम आप इसको खोलकर दिखाते हैं। ये देखिए इसमें वो प्रिंट है जिसकी वजह से इसमें सलवार में हल्की सी हमें चेंजिंग करनी है, क्योंकि ये देखिए जो हमारा प्रिंट है एक साइड जा रहा है। हम इस तरह से इसको बिछाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका फ्लावर सा बना हुआ है और इसका जो हमें कटिंग करनी है इस तरीके से करनी है, यानी ये हिस्सा है जो हमारा ऊपर तरफ जाना चाहिए और ये नीचे वाला हिस्सा जो हमारा पोंछे में आ जाना चाहिए। इस तरीके से दोस्तों हमें इसकी कटिंग करनी है। कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमने जो सिंगल तय की है इसको, हम इसको इस तरीके से डबल कर लेंगे। इस तरीके से देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने इसको डबल कर लिया है। अब इसमें ये फ्लावर ऊपर तरफ जा रहा है और नीचे वाले हिस्से में भी ये ऊपर ही तरफ जा रहा है। तो हम इसको यहाँ से इस तरीके से बिछाने के बाद इसको इस तरीके से फोर फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से इसको बिछाने के बाद दोस्तों, यहाँ पर ये धागे जो निकले हुए हैं और यहाँ पर जो छोटा बड़ा कपड़ा है, हम इसको कैंची से बराबर करेंगे। इस तरीके से हमने इसको यहाँ पर बराबर कर लिया है। दोस्तों सलवार की कटिंग करने से पहले हम इसको बताते हैं इसका मेजरमेंट किस तरीके से है। इसका जो हम लंबाई रखने वाले हैं दोस्तों, वो रखेंगे 38 इंच की, और इसकी जो हम मोहरी रखने वाले हैं वो रखेंगे 12 इंच की, यानी 12 इंच के इसके हम पोंछे रखने वाले हैं और इसी के अकॉर्डिंग हम इसकी अब कटिंग करेंगे। दोस्तों हमारी लंबाई 38 इंच की, 38 में हम यहाँ पर 3 इंच और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 41। जो दोस्तों 41 हमें रखना है यहाँ पर, जहाँ से हमने कपड़ा पहले ही बराबर किया था, यहाँ पर हमारा 41 आ गया। और उसके बाद यहाँ से हम निशान लगाएंगे पूरा इंच टेप का, जहाँ भी हमारा स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि दोस्तों ये जो सलवार हमारी है पेंट की सलवार नहीं है, ये सादा सलवार है, इसलिए हमें यहाँ पर लंबाई भी इसकी पूरी लेनी पड़ेगी। अगर ये पेंट की सलवार होती तो हम बेल्ट का लंबाई कम करने के बाद इसकी कटिंग करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा लंबाई का निशान आया है, इसी निशान के ऊपर से हम इसकी कटिंग कर देंगे। देखिए दोस्तों, ये जो हमने पहले यहाँ से कपड़े की कटिंग की है उसमें से हम निकालेंगे हमारे पट्टे, और ये जो बच्चा वाला कपड़ा है हमारा इसमें से निकालेंगे हमारी कलियां। और कलियां निकालने के लिए दोस्तों यहाँ पर हम लगाएंगे 41 इंच पर निशान। ये देखिए हमारा 41 यहाँ पर आ रहा है, तो हम यहीं पर एक निशान लगाएंगे। और ये निशान लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो हम हमेशा पाँच के लिए 2 इंच छोड़ते हैं, हमें यहाँ पर 2 इंच नहीं छोड़ना है। यहाँ सिर्फ हम किनार का 1/2 इंच का मार्जिन का दबाव ले लेंगे और उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ दूसरी साइड हमारा आसन का निशान। हमारा आसन दोस्तों रहता है अक्सर नॉर्मल सलवार में 15 इंच का, तो यहाँ पर दोस्तों 15 इंच का ही आसन रखेंगे हम इसमें भी। तो आसन रखने के लिए यहाँ से तकरीबन हम 13 इंच की इसकी कम कटिंग करेंगे, यानी इसको 2 इंच कम कटिंग करेंगे यहाँ से, क्योंकि दोस्तों अगर हम यहाँ से 15 इंच का आसन लेंगे तो दूसरी साइड से हमारी कली निकालने में परेशानी आ जाएगी, इसलिए यहाँ से हम इसको 13 इंच पर निशान लगा देंगे। इस तरीके से 13 इंच पर निशान लगाने के बाद ये जो हमारे निशान है, इन निशानों को हम इस तरीके से मिला देंगे। और इस तरीके से निशान लगाने के बाद हम स्केल से इनको कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से फ्रेंड्स, निशान लगाने के बाद इसी निशान के ऊपर से अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने हमारी कली निकाल ली है, और ये वाली कली निकालने के बाद हम इसको इस तरीके से बिछा देंगे इसके ऊपर। इस तरीके से दोस्तों, जो हमने कली निकाली है इसको नीचे वाली कली के बिल्कुल ऊपर जमा लेंगे और इसको बराबर कर लेंगे। और इसको बराबर करने के बाद इसी के साइड से हम यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। और यहाँ से देखिए दोस्तों, हमें जो हमारे रखना है आसन इसका 15 इंच का, और 15 इंच का आसन रखने के लिए यहाँ से देखते हैं कपड़ा हमारा 15 इंच कहाँ पर आएगा। तो ये देखिए हमारा 15 इंच आ रहा है यहाँ पर, तो यहीं से हम इस तरीके से 2 निशान लगा लेंगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। और उसके बाद इन निशानों को स्केल से सीधा कर लेंगे, और इस तरीके से इसको निशानों को सीधा करने के बाद दोस्तों हम यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे। और यहाँ से देख सकते हैं आप छोटा बड़ा जो हमारा कपड़ा है हल्का हल्का सा, हम इसको भी यहाँ से बराबर कर लेंगे। इस तरीके से यहाँ से इसको बराबर करने के बाद हमारी ये जो कली है हमारी, इनके 2 हिस्से जो खुले हुए हैं और नीचे वाली कली के बंद हैं, तो हम इनको भी इस तरीके से बीच में से खोल लेंगे। इस तरीके से देखिए, हमने यहाँ पर कलियाँ हैं जो हमारी उनको अलग कर लिया है, और ये जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है इसमें से हम पाँचे बना सकते हैं। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये जो खोल है ऊपर तरफ जा रहा है 2 कलियों में हमारी, और जो हमारी 2 कलियां हैं उनमें आ रहा है नीचे की तरफ। दोस्तों ये फूल है जो 2 कलियों में तो आएगा ही, 2 में नहीं आएगा, लेकिन हमने जो बचाव किया है वो क्या है, पट्टे के अंदर। पट्टे के अंदर हमने किस तरीके से बचाव किया है इन फूलों का, तो ये देखिए
ये जो हमारे पट्टे हैं हमने इनको इस तरीके से कटिंग किया है, बिल्कुल दो पल्लों को बराबर करने के बाद इसको बिछाया है। दोस्तों अगर हम इसको इस तरीके से कटिंग करते हैं, कई बार हम कटिंग कर देते हैं, ये देखिए मान लीजिए कि ये पूरी सलवार का कपड़ा है हमारा, और अगर हमने इसको इस तरीके से पकड़ लिया, इन दोनों को मिला लिया और इस तरीके से अगर हमने इसको बिछाकर दो पट्टे निकालने की कोशिश की, तो ये देखिए हमारा दोस्तों ये फूल तो हमारा इधर की तरफ जा रहा है और ये वाला है जो हमारा इस तरफ आ रहा है, तो पट्टे हमारे बिल्कुल खराब हो जाते। और इस तरीके से कटिंग करने के बाद दोस्तों अब ये जो हमारा पट्टा है हम इसमें से पोंछे की कटिंग करेंगे। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर हम इसमें पोंछे बनाने वाले हैं और पोंछे इस तरीके से बनाएंगे। ये वाला हिस्सा रहेगा जो हमारा, ये रहेगा पोंछे वाला, ऊपर रह जाएगा हमारा घेरा। तो यहाँ पर हमारे जो पोंछे दोस्तों है 12 इंच के, 12 इंच में देखिए दोस्तों 12 का 10 हो जाएगा 6, यहाँ से हम 1.5 इंच ले लेंगे एक्स्ट्रा तो ये हो जाएगा 7.5। तो यहाँ से हम इसको इस तरीके से सीधा एक लाइन खींच देंगे और उसके बाद इसी निशान के ऊपर से हम इसकी कटिंग कर देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हमने कपड़ा निकाला है नीचे की तरफ से और ऊपर की तरफ से नहीं निकाला है दोस्तों, इसके पीछे रीजन ये है, ये जो हमारी कलियां हैं कलियों के नीचे हमने 2 इंच का मार्जिन नहीं रखा, ये बिल्कुल हमने फिक्स काटी है। और जब हम इसकी सिलाई करेंगे यहाँ पर और सिलाई से इस तरीके से अटैच हो जाएगी, तो यहाँ पर अगर हम इसको छोटा ही काटते तो हमारे पोंछे पूरे तरीके से नहीं निकलते। अब देखिए यहाँ पर हमारे 12 इंच के पोंछे हैं, सिलाई लगने के बाद ये देखिए ये पूरे 6 इंच के तैयार हो जाएंगे, यहाँ पर 6 इंच तैयार हो जाएंगे और ये हमारा जो मार्जिन काम आ जाएगा। उसके बाद ऊपर से ना काटने का रीजन ये है दोस्तों, अगर हम इसको भी यहाँ से कम कर देते, ये देखिए अगर हम यहाँ से इसको 7.5 इंच पर कम कर देते तो यह हमारा कपड़ा बच रहा है हमारे पास 1.5 इंच का, 1.5 और 1.5 3 और 3 2 6 हो जाता है दोस्तों। अभी हमारा 6 इंच का घेरा यहाँ पर एक्स्ट्रा बन चुका है। तो दोस्तों आप इस तरीके से इसकी कटिंग कर सकते हैं जिसमें सिंगल फ्लावर होता है एक साइड, तो उसकी कटिंग करने का फॉर्मूला हमने आपको बताया है। दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर दोस्तों आप हमारी वीडियो पसंद आ जाती है तो आप हमें प्यारा से लाइक कर सकते हैं जिससे दोस्तों हमारी हौसला अफजाई हो सके। मिलते हैं आपसे इसी तरह की अगली और इस वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।